हे गाइस, वेलकम टू बीसी ट्रिक। गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए एक कोडेक के स्मार्ट टीवी की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जिसका साइज 40 इंच है। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद ये टीवी पसंद आती है और अगर आप उसे बाय करना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीवी का बॉक्स कुछ आपको ऐसा मिलेगा। साइड पर आपको कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई दिख जाती हैं। चलिए अब इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए मेंशन किए हुए हैं, जैसे 2 HDMI पोर्ट, रेजोल्यूशन Full HD, 2 USB पोर्ट हैं, स्क्रीन साइज है, व्यूइंग एंगल भी काफ़ी फाइन 178 डिग्री है, और इसके अलावा 10 10 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स इसमें लगे हुए हैं, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। तो यही सब है, इसी वजह से मैंने ये टीवी परचेज़ की, क्योंकि मुझे इसके स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रहे थे, और इसके अलावा एनर्जी सेविंग वगैरह का फीचर भी है इसमें। चलिए मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर कुछ एसेसरीज वगैरह मिल जाती हैं, जैसे कि वॉल माउंटिंग और टेबल स्टैंड वगैरह। तो ये क्या है, मैं देख लेता हूँ खोल कर इसको। मेरे ख्याल से ये वॉल माउंटिंग होगी, और इसके साथ जो स्क्रू वगैरह लगते हैं, जी हाँ, ये एक वॉल माउंटिंग है और ये स्क्रू वगैरह। तो चलिए मैं इनको साइड कर देता हूँ और देखता हूँ कि इसमें और क्या-क्या हमको मिला हुआ है। यहाँ पर इसको खोल लेता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ टीवी रिमोट और पेपर वर्क वगैरह दिखाई दे रहा है मुझे। जी हाँ, इसमें एक दो बैटरी आपको मिली हैं, ये वारंटी कार्ड है, और ये मैनुअल है जिसका कोई यूज़ करता नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये टेबल स्टैंड है, जिसको आप टेबल पे टीवी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ बैटरीज और रिमोट। चलिए इन सबको मैं वापस से रख देता हूँ, क्योंकि इनका कोई काम है नहीं। टीवी का डिज़ाइन काफ़ी स्लीक है और देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रही है। बिल्ड क्वालिटी तो बहुत हाई एंड क्वालिटी की नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है इसके प्राइस को देखते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर टीवी ऑडियो वीडियो के केबल्स वगैरह लगाने का यहाँ पर सिस्टम है आपको दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको HDMI और USB पोर्ट के अलावा ऑडियो जैक का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइस भी, जैसे अपने वूफर्स स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको टीवी की वॉल्यूम मैन्युअली चेंज करने का चैनल और पावर बटन वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको 4 जो पॉइंट दिए हैं, इनमें से आप वॉल माउंट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ कॉशंस वगैरह दिए हुए हैं। तो चलिए टीवी को ऑन कर लेते हैं, और टीवी ऑन हो रही धीरे धीरे। अभी मेरे पास कोई एक्सटर्नल केबल वगैरह कुछ है नहीं, ना पेन ड्राइव है इस समय मेरे पास कि मैं आपको चलाकर कुछ दिखाऊं, लेकिन टीवी काफ़ी अच्छी है और आगे मैं इसके और ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाता रहूँगा।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए।